नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी की तरफ से समस्त बीए पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारत में जलवायु टॉपिक पढ़ा रहे हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जो जलवायु है, भारतीय जलवायु को मौसम वैज्ञानिकों ने चार भागों में बांटा है। वैज्ञानिक कितने भागों में? चार भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। अब ये जो चार भाग हैं, कौन कौन से हैं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो इसका भाग है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु और दूसरा है वर्षा ऋतु। तीसरे नंबर पे है शरद ऋतु और चौथा भाग है शीत ऋतु। तो भारतीय जलवायु को मौसम वैज्ञानिक कितने भागों में बांटते हैं? चार में। सबसे पहले जो ये ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु भारत में कब से कब तक, ये है 15 मार्च से 15 जून का समय कौन सी ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। सूर्य उत्तरायण चला जाता है। इसके कारण संपूर्ण महाद्वीपीय भाग गर्म होने लगता है, अर्थात स्थलीय भाग गर्म हो जाते हैं। भारत में थार का मरुस्थल अत्यंत गर्म हो जाता है। इसके अलावा पश्चिमी भाग में
धूल भरी आंधियां चलती है। क्या चलती है? आंधियां चलती है। वायु दाब का न्यून क्षेत्र बन जाता है। वायु दाब का न्यून क्षेत्र बन जाता है। क्षेत्र बन जाता है। तो हवाएं कहाँ चलती है? उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलने लगती है। पश्चिमी राजस्थान में इस समय चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। तो बताइए लू क्या है? लू है ये है पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली धूल भरी हवाएं। इसको आप कर सकते हैं गर्म हवाएं। कौन सी हवाएं? गर्म हवाएं। क्या है? पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। मोस्ट हो गया। इसके अलावा रेगिस्तानी भागों का तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो ये कौन सी ऋतु हुई? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। भारत में लू का प्रभाव कौन कौन से राज्यों में है? भारत में लू का प्रभाव राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से होता है। देखिए कई बार प्रश्न आता है लू क्या है, तो लू है गर्म हवाएं, पश्चिमी राजस्थान में चलने वाले गर्म हवाएं। तापमान की अधिकता के कारण
न्यून वायु दाब, न्यून वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, का क्षेत्र बने जाता है। इसलिए हवाएं उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब, न्यून वायु दाब की ओर चलने लगती है अर्थात हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। अगर मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु ही नहीं होगी तो वर्षा ऋतु भी नहीं होगी, इसलिए पश्चिमी बंगाल में इन हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी और असम में बारदो छीड़ा कहा जाता है बारदो छीड़ा कहा जाता है। तो इसमें मुख्य क्या है? एक तो लू, कि लू क्या है? पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी क्या है? इसके अलावा बारदो छीड़ा ये क्या है? असम में चलने वाली गर्म हवाएं, असम में चलने वाली गर्म हवाओं को बारदो छीड़ा कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में इन्हीं हवाओं को, जो गर्म हवाएं हैं, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती है उनको लू कहा जाता है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तूफानों से कर्नाटक में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम
में होने वाली वर्षा को चेरी ब्लसम कहा जाता है, कहा जाता है, चेरी ब्लसम कहा जाता है, जिससे कॉफी की वर्षा, कॉफी की, कॉफी की फसल, कॉफी की फसल को काफी लाभ होता है, काफी लाभ होता है। इसके अलावा केरल के तटीय भागों, केरल एवं कर्नाटक में वर्षा होती है, होती है, जिससे आम की फसल को, आम की फसल को काफी फायदा होता है, काफी फायदा होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में किसके नाम से जानेंगे, आम्रबोछार के नाम से जानेंगे, आम्रबोछार कहा जाता है, आम्रबोछार कहा जाता है। अब इसमें मुख्य क्या आया, इसमें मुख्य है कि चेरी ब्लसम क्या है, ये चेरी ब्लसम है, कर्नाटक में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, चेरी ब्लसम कहते हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है, आम की फसल को काफ़ी फायदा होता है, तो इस वर्षा को कहेंगे आम्रबोछार। इसलिए इसमें ध्यान देंगे लू, नार, वेस्टर, काल, बैसाखी और क्या आया, बारदोली, छीड़ा और इसमें क्या आया, चेरी ब्लसम और क्या आया, आम्रबोछार, आम्रबोछार कहाँ कहाँ हुए, लू राजस्थान के पश्चिमी भाग में चलने वाली गर्म हवा, नार्वेस्टर काल वैसाखी पश्चिमी बंगाल में चलती है, बारदोली छीड़ा असम में है, चेरी ब्लसम कर्नाटक में और आम्रबोछार केरल और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक मोस्ट हो गए, आम की फसल को फायदा मिलता है इसलिए आम्रबोछार कहा।
स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट दो चलेगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक है? ये वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय है। वर्तमान समय में ये इसका प्रत्यावर्तन काल चल रहा है, अर्थात कौन सा महीना? सितंबर, जिसे लौटते हुए मानसून की संज्ञा भी दी जाती है। लौटते हुए मानसून की संज्ञा भी दी जाती है, लौटते हुए मानसून की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप न्यून वायु दाब का केंद्र बन जाता है। न्यून वायु दाब का केंद्र बन जाता है, इसलिए इसे मानसून गर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून गर्त भी कहा जाता है, निम्न दाब के कारण, हवाएं निम्न दाब समुद्र से स्थल की ओर व्यापारिक हवाएं बढ़ने लगती है। कौन सी हवाएं? व्यापारिक हवाएं बढ़ने लगती है। भारत में मानसून सबसे पहले कहां आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कब आता है? 20 मई को ही आ जाता है। तारीख कितनी है? 20 मई को आ जाता है। मानसून भारत की मुख्य भूमि
भारत की मुख्य भूमि कौन सी? केरल तट पर, अर्थात मलाबार तट पर 1 जून को आता है। 1 जून को आता है, कब आ गया? 1 जून को आ गया। अब 1 जून को आया मलाबार तट केरल, और 10 से 14 जून तक कोलकाता आता है। कहाँ आ गया? कोलकाता। अब इसमें मोस्ट क्या है? एक तो देखो 20 मई सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, उसके बाद भारत की जो मुख्य भूमि है केरल तट पर 1 जून को आता है। तो 1 जून 20 मई ये मुख्य हैं। इसके अलावा 20 से 30 जून राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, इसमें क्या आ गया? मानसून आ गया। उत्तर भारत में मानसून आता है सबसे बाद मानसून 15 जून राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करता है। तो ये है वर्षा ऋतु। सबसे अंत में कहाँ गया? सबसे अंत में है पश्चिमी राजस्थान में। अब पश्चिमी राजस्थान में कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में भी ये है पश्चिमी राजस्थान। इसके बाद में जून के प्रथम सप्ताह में, केरल मलाबार तट पर तेज गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है। क्या हो गई? वर्षा। इसके बाद में इसे बिजली चमकती है मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। बिजली की चमक
बिजली चमकती है, मूसलाधार वर्षा होती है, इसलिए इसको मानसून का प्रकोट कहा जाता है, मानसून का फटना भी कहा जाता है। ये मानसून फट गया। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय है। इसके कारण मानसून दो भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक है अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। अब इसमें प्रश्न कितने आते हैं कि कई बार इसमें मोस्ट क्या है कि राजस्थान में जो वर्षा आती है कौन से मानसून से आती है? तो ये है मोस्ट, राजस्थान में जो वर्षा है अरब सागरी राजस्थान में। वर्षा कौन से मानसून से आती है? अरब सागरीय मानसून से आती है। इसके अलावा भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कब? 30 मई। लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि नहीं है, ये द्वीपीय स्थिति है। कौन सी स्थिति है? द्वीपीय स्थिति है। भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले वर्षा केरल तट पर, उसको मलाबार तट भी कहते हैं, उसके ऊपर 1 जून को आती है। कब आती है? 1 जून को। तो ये कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु है। कौन सी है? वर्षा ऋतु। अब हम इसे अरब सागर की मानसून पवनों से होने वाली वर्षा को समझाएंगे, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें कि ये जो टॉपिक है वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लू है, नार्वेस्टर है, इसके अलावा आम्र बुछार है, बारदोली छीड़ा है। तो ये है ये थोड़ा मैप जगह शॉर्ट बने। भारत के मानचित्र में जो वर्षा ऋतु है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो वर्षा ऋतु है ये
कौन सी रेखा गुजर गई? ये कौन सी रेखा है? कारक रेखा। ये है कारक रेखा। और ये क्या है? जी भूमध्य रेखा। सूर्य जब भूमध्य रेखा पर चमकता है, इसके अलावा जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो सूर्य कहाँ चला गया? उत्तरायण चला गया। उत्तरायण। अब उत्तरायण चला गया तो ग्रीष्म जैसे गर्मी में सूर्य कहाँ चमकता है? गर्मी में चमकता है कारक रेखा पर। तो यहाँ पे न्यून वायु दाब का केंद्र बने जाता है। न्यून वायु दाब, सूर्य चमकता है धीरे धीरे, सूरज किधर बढ़ रहा है? इधर। जैसे दिसंबर, ये दिसंबर में इधर चमक रहा है मकर रेखा पर, धीरे धीरे ये भारत की ओर बढ़ रहा है। और कारक रेखा पर कब चमक रहा है? जैसे मध्य जून, तो इधर का तापमान क्या हो गया? ज़्यादा। तो वायुदाब क्या हो गया? न्यून। हवाएं बंद हो गई, तो हवाएं किधर चलेगी? समुद्र से चलेगी। और ये व्यापारिक हवाएं पश्चिम से किधर? ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ 20 मई को वर्षा कर दी। 20 मई तो सबसे पहले वर्षा कहाँ आई? 20 मई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले वर्षा। लेकिन स्थल भाग नहीं है ये, भारत की मुख्य भूमि कौन सी है? केरल। तो इस पे मानसून कब पहुंचा? 1 जून को मानसून पहुंचते तो ये कौन सी है? 1 जून वाली रेखाएं ये है, 1 जून की रेखाएं, 1 जून वाली रेखाएं। अभी 1 जून की रेखाएं और ये है इधर चेन्नई, ये रेखा निकल गई। इसके बाद में ये जो रेखाएं हैं इधर ये क्या है? अरावली पर्वतमाला से टच होकर के जाती है और लास्ट में ये हवाएं 15 जून पश्चिमी राजस्थान पहुंचती है। ये क्या है? सबसे अंतिम वर्षा कहाँ पहुंचती है? सबसे अंत में पश्चिमी राजस्थान में पहुंचती है। सबसे अंत में 15 जून को पश्चिमी राजस्थान में। और भारत में सबसे पहले वर्षा 20 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आती है। उसके बाद में 1 जून को केरल की मुख्य भूमि पे वर्षा होती है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इसके बाद में है इसके बाद में अरब सागर की मानसूनी पवने, अरब सागर, अरब सागर की मानसूने पवने, अरब सागर की मानसूनी पवने, ये जो अरब सागर की मानसूनी पवने है ये तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? सबसे पहले ये पश्चिमी घाट की ओर जाती है। इनकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक होती है। कितनी है? 900 से 1200 मीटर तक की होती है। इसके अलावा ये सह्याद्री पर ठंडी होकर, सह्याद्री पर ठंडी होकर भारी पर्वतीय वर्षा करती है, भारी पर्वतीय वर्षा करती है। इसको क्या कहते हैं? अति वृष्टि। क्या है कि जैसे ये है और इधर से ये आई और डायरेक्ट ये इन पर्वतीय क्षेत्रों से टकरा गई, तो ये कौन सी हो गई? पर्वतीय वर्षा। और फिर ये क्या हुआ? इसको कहेंगे अति वृष्टि। लेकिन जो ही ढाल से विपरीत उतरी तो इन पवनों में पानी की कमी हो गई, इन्हें कहा अनावृष्टि। क्या कहा? अनावृष्टि कहा गया। इसीलिए इनको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। अर्थात जब पौने पर्वत से नीचे उतरती है तो वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जब पौने चढ़ती है तो इसको कहेंगे अतिवृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा अरब सागर से उठने वाली पौने, अरब सागर से उठने वाली पौने कहाँ कहाँ वर्षा करती है? एक तो मुंबई, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और राजस्थान। तो ये अरब सागर से उठने वाली पवने सबसे ज़्यादा वर्षा केरल में तो करती है, लेकिन मुंबई, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। अर्थात मध्य भारत आ गया, मध्य भारत में सर्वाधिक वर्षा करती है। तो ये है अरब सागरीय मानसून है। इसके बाद में तीसरी है ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। कौन सी पवने?
पश्चिमी अरब सागरी तो गंगा के मैदान अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और अंत में हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर तक अरब सागरीय पवनों के माध्यम से वर्षा होती है, इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में है बंगाल की खाड़ी, वाली पवने, बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवने, तो जो मानसून उठा वो यहां से उठा अर्थात प्रायद्वीपीय होने के कारण ये दो भागों में बट गया। इधर का आपने पढ़ा अरब सागर ये मानसून, और अब ये होगा बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। तो इधर से जो वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है वो होती है चक्रवातीय वर्षा, और इधर से जो वर्षा है वो है पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा हो गई? पर्वतीय वर्षा। ये जो वर्षा है, ये जो वर्षा इधर गई वो है म्यांमार, बर्मा, इसके अलावा ये जो बांग्लादेश, इसके अलावा है असम, मेघालय, इसके अलावा अरब बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से यहां चेरापूंजी नामक स्थान पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन से स्थान पर? मोसिनराम गांव। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, मोसिनराम गांव मेघालय में है, चेरापूंजी में है। यहां तीन खाड़ियां हैं, गारो, खासी और
जयंतियाँ के फाड़िए, तो तुरंत ये जाता है तो खांसी में कीपाकार पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? कीपाकार। यहाँ मानसून टकराता है और भारी वर्षा करता है। कौन सी वर्षा कर दिया? भारी वर्षा 1320 सेंटीमीटर वर्षा करता है, अर्थात 7 मंजिला मकान डूब सकते हैं। तो ये कौन सी वर्षा है? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होने वाली वर्षा, और ये अरब सागरीय मानसून से होने वाली वर्षा है। तो ये है। फिर इसके अलावा देखो, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, इसके अलावा ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, और ये हमारा राजस्थान। तो ये जो पवनी आती है हमारे राजस्थान में भारी वर्षा करती है। तो प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान में भारी वर्षा कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में भारी वर्षा, राजस्थान में कौन सा मानसून आता है? कौन सा मानसून आता है? कौन सा आता है? अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हुई? चेरा पूंजी में। कौन से मानसून से? बंगाल की खाड़ी वाली से हुई, बंगाल की खाड़ी वाली से हुई है। ये मोस्टे है। इसके अलावा ये मोस्ट यहाँ से निकालता हूँ मैं, यहाँ 1 जून केरल में वर्षा, ये भारत की मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि पे वर्षा कब हुई है? 1 जून को। इसके अलावा ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें कब हुई? 20 जून को। 20 जून को कब हुई? 20 जून को। ये जो प्रश्न है मोस्ट है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं। राजस्थान में कौन सा मानसून आता है? अरब सागरीय मानसून है। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में भारी वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरा पूंजी में होती है। कौन से मानसून से? बंगाल की खाड़ी वाली मानसून से होती है। केरल में वर्षा 1 जून को होती है। ये भारत की मुख्य भूमि। अगर प्रश्न आ जाए भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 20 मई, सॉरी इसको सही करते हैं, 20 मई। और इसके अलावा ये मुख्य भूमि नहीं है, इसीलिए ये क्या है? आई टी सी जेड क्षेत्र बना। इसके अलावा ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा और ये मकर रेखा। जब सूर्य कब? मध्य जून। कब चमकता है? मध्य जून। कौन सी रेखा पर? कारक रेखा पर। तो क्या हो जाता है? वायु दाब का न्यून केंद्र बन जाता है। अब वायु दाब
का न्यून केंद्र हो गया तो हवाएं सागर से किधर जाएगी, जैसे सागर है तो स्थल की ओर बढ़ेगी, स्थल की ओर। इन्हें कौन सी पवने कहते हैं, व्यापारिक पवने। कौन सी पवने, व्यापारिक पवने कहते हैं। इसके अलावा व्यापारिक पवने कहेंगे धीरे धीरे सूर्य दिसंबर, देखो दिसंबर, फिर दिसंबर में कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर, फिर आगे बढ़ेगा लगभग ये मध्य जून में कर्क रेखा पर गुजरता है। तो कर्क रेखा किसके बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से। तो यहाँ तापमान क्या होगा, ज़्यादा, तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। वायु दाब क्या होगा, न्यून, इसलिए हवाएं उच्च दाब से न्यून वायु दाब की तरफ आएगी। इसलिए व्यापारिक पवने मानसूनी पवने भारत में वर्षा करेगी और प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण दो भागों में अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून में बट जाएगी। ये इस पाठ का सार है, इस पाठ का सार है। इसमें से कई बार जीके में प्रश्न आ चुके हैं और आएंगे भी, इसलिए स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छी तरह ले और इन प्रश्नों को नोट्स के रूप में तैयार करे। इसके अलावा मैं जो ये शब्द लिख रहा हूँ, एक लू, दूसरा चेरी ब्लॉसम, इसके अलावा आम्र बोछार, लू चेरी ब्लॉसम आम्र बोछार बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा, ये मुख्य है, इनको भी ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, आज आपकी क्लास समाप्त हुई।